हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारी ट्रिप का है डे 6। थोड़ी तबीयत हो गई है खराब, तो कहीं ढूंढते हैं कोई मेडिकल स्टोर या क्लिनिक मिल जाए तो वहां से कुछ दवाई वगैरह ले लेंगे। और आज हम जा रहे हैं मुंशियारी से बागेश्वर की तरफ, और क्योंकि मैक्सिमम रूट्स ब्लॉक है तो हमें थल रोकते हुए जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि शाम के 6 बजे हम कहाँ पहुंचते हैं, जहाँ पहुंचेंगे वहीं नाइट स्टे कर लेंगे। तो गाइज, 8 बजे हमने होटल से चेकआउट कर लिया था, फिर गए क्लिनिक, इंजेक्शन लिया, और अभी हो रहा है टाइम 8:30 बजे का, और अब यहाँ से निकल रहे हैं बागेश्वर के लिए। और वाया थल होते हुए जाते हैं कि वाया कपकोट, आपको रास्ते में ही बताएंगे। तो चलिए कुछ नज़ारों का एंजॉय कीजिए, उसके बाद हम रास्ते में मिलते हैं। हाँ, हमारी निकल गई, ऑल्टो जा रही है ऊपर। हाँ, कल हमारी 2-3 पूरा फोर्स में जाना, लगेगी नीचे थोड़ी, कल हमारी लगी खूब। हमारी तो कल लगी थोड़ी बहुत, तो लग रही है नीचे, यही है सबसे डेंजर, इसके अलावा बाकी तो सब नॉर्मल ही है। हाँ, इसलिए मना कर रही थी। पीछे रास्ता ठीक है, पीछे कर रहा हूँ। गीली मिट्टी है ना, तो दोस्तों टाइम हो गया 11:30 बजे का, और अब हम कपकोट होते हुए बागेश्वर जाएंगे, क्योंकि ये रोड खुल चुका है अब। पहले हम वाया थल होते हुए जा रहे थे, जो कि डिस्टेंस ज्यादा था, उसमें टाइम भी ज्यादा लग रहा था, और ये रोड अब खुल गया है तो हम इसी रोड से जाएंगे। और इसमें कुछ दूर जाने के बाद, मतलब पहला जो बड़ा गाँव आएगा, सामा गाँव आएगा।
दोस्तों लगभग 1 बज रहा है अभी, और अभी हम सामा गांव से काफी आगे आ चुके हैं, और सामा गांव तक पहुंचने के बीच में हमें 3 गांव मिले और तीनों में बाय गॉड एक बंदा नहीं। हमें पूरे रास्ते में कुल 3 लोग मिले, तीनों ने बोला कि रास्ता आगे साफ है, क्लियर है, तो हम आगे इस रोड पे निकल गए। और अभी तो यार रोड बहुत ज्यादा मतलब अमेजिंग सा ही हो गया है, क्योंकि बिल्कुल स्मूथ रोड है, सिंगल रोड है, आगे से अभी तक एक भी गाड़ी ने हमें क्रॉस नहीं किया है। 14 किलोमीटर के बाद कपकोट आएगा, वहीं लंच वगैरह करेंगे और उसके बाद आगे बागेश्वर की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो गाइस हम पहुंच गए बागेश्वर, 3 बजे हम बागेश्वर पहुंच गए थे, अभी लगभग 4:30 बज रहा है। 1.5 घंटे हम इधर ही उधर सिटी में घूमते रहे, टाइम पास करते रहे, थोड़ी देर नदी किनारे गए, और ये रहा हमारा रूम, होटल भविष्य इन है, नरेंद्र पैलेस के सामने PWD वाली रोड पे है, और 1200 रुपये इस रूम का टैरिफ है। नाइस रूम यार, 1200 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा रूम है। आप भी आए तो इधर विजिट करके जरूर जाए। ये हमारा बेड है, आपको दिखा दिया, ये टीवी, ये अलमीरा, थोड़ा सा इधर काम करने की जगह, थोड़ा सा सेटिंग एरिया, ये वॉशरूम, और गाइस यहाँ पे है ये व्यू यहाँ से, और ये शानदार व्यू है, और साथ में इसके आपको बालकनी भी है। ये देखिए गाइस बालकनी से क्या प्यारा व्यू आ रहा है, सामने रिवर, पहाड़ और अपना बागेश्वर से। तो गाइज तबीयत यार बहुत ज्यादा खराब है, पूरी ट्रिप का मजा खराब हो गया, कुछ भी हो लेकिन ट्रिप में कभी भी यार तबीयत किसी की खराब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पूरी ट्रिप वेस्ट हो जाती है। इसी वजह से आज यहाँ 3 बजे पहुंचने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, ना मंदिर जा पाए ना कुछ और काम कर पाए, बस अपने होटल में चेक इन किया और तब से यहीं पड़े हैं। डिनर हमारा हो गया है और कल सुबह यार देखो कुछ अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो फिर जाके मंदिर वगैरह में दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना।